Hello, good morning students. Today we will learn about the topic chapter number 2, connect with others in standard 4. So let's now start the topic. Now that you know about the working of computer system, आप पहले chapter में आप learn कर चुके हैं कि computer system कैसे work करती है. It's time to learn how these computers communicate with each other. आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर है वो कम्युनिकेशन कैसे करता है एक से अदर. सो यू कैन यूज कंप्यूटर टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन विद अदर्स. इसके जरिए हम जो उसकी इन्फॉर्मेशन है वो वन टू ईच अदर शेयर कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं. नेटवर्क टेक्नोलॉजी कैन हेल्प यू कनेक्ट विद पीपल लिविंग अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज. नेटवर्क टेक्नोलॉजी है वो हमें हेल्प करती है जो डिफरेंट जो कंट्री में रहते हैं उसके जरिए भी लिविंग भी हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं. सो इसके लेसन को बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर यू विल बी अवेल टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन क्या है, डिफाइन कंप्यूटर नेटवर्क, लिस्ट टाइप ऑफ नेटवर्क, एक्सप्लेन मोबाइल नेटवर्क. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. व्हाट इज कम्युनिकेशन. सो कम्युनिकेशन का है इन इसमें ब्रेनस्टॉर्म में लिखा है डिस्कस द वेरियस वेज इन विच यूजुअली टॉक टू अदर सिमिलरली डिस्कस वेज इन विच कंप्यूटर कैन. So what is communications? Communication through the process of communication you can send and receive information from others. Communication allow you to deliver message to another person. Effective communication is important to work together and exchange ideas. So communication means आप process कर सकते हैं उसके जरिए send and receive information. हम एक दूसरे के जरिए हम उसकी इंफॉर्मेशन सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं. उसी को क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन अलाउड टू डिलीवर मैसेज टू अनदर पर्सन. वन पर्सन टू अनदर पर्सन हम उसको मैसेज भी शेयर कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं. इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट टू वर्क टुगेदर एंड एक्सचेंज आइडियाज. कम्युनिकेशन गुड टू नो में लिखा है कम्युनिकेशन बिटवीन टू इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. जो इंडिविजुअल जो होता है दो ही दो पर्सन के बीच ही जो कम्युनिकेशन होता है उसको क्या कहते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. ये जस्ट गुड टू नो में ही है. और लिखा है कि कम्युनिकेशन साइकिल इज टू वे प्रोसेस. इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस यू नॉर्मली सेंड अ मैसेज टू एन इंडिविजुअल. द कम्युनिकेशन साइकिल इज कंप्लीटेड व्हेन द रिसीवर रिस्पॉन्ड्स विद अ रिप्लाई. सो हम कम्युनिकेशन साइकिल कैसे वन पार्ट में यू सेंड अ मैसेज इंडिविजुअल. द कम्युनिकेशन साइकिल कंप्लीट व्हेन रिसीवर. जब वो रिसीव कैसे जो कम्युनिकेशन साइकिल वो कैसे वर्क कर दिया. हमने जो कोई मैसेज है टेक्स्ट है में वो किसी को सेंड किया और वहाँ तक पहुँच गया तब उसको उसने रिसीव कर लिया तब वो कम्युनिकेशन साइकिल कंप्लीट होती है. सो ये तो नॉर्मल है. अब स्टार्ट होता है हाउ आर कंप्यूटर्स कनेक्टेड. कंप्यूटर कनेक्ट कैसे होते हैं. अ कंप्यूटर नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन. स्पेशली कनेक्टिंग मीडिया इज यूज टू लिंक डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम. यू कैन ऑल्सो कनेक्ट अदर डिवाइस सच एज प्रिंटर टू नेटवर्क. सो जो हमारे कंप्यूटर है उसमें बाहर से हमने जो स्लॉट आते हैं उसमें कौन कौन से जोड़ रखा होता है. जो प्रिंटर है जो प्रिंटर का डिवाइस भी उसका कनेक्ट करके रखा होता है. जो हमारा माउस होता है वो भी जो इनबिल्ट नहीं होता तो उसका भी स्लॉट के जरिए वर्क करता है. कीबोर्ड की भी ज्वाइन करना है तो कैसा है वो कनेक्ट होता है एक दूसरे से. इसमें लिखा है कि द इंटरनेट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कंप्यूटर नेटवर्क. कंप्यूटर नेटवर्क अलाउ यू टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी थ्रू. सो कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए हमें क्या है जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर देती है, उसको कम कर देती है और हमारी जो एफिशिएंसी है हमारी जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करती है, उसको सुधार और वो फास्ट वर्क करता है. इसके जरिए कम्युनिकेशन जो है वो फास्ट होता है कंप्यूटर नेटवर्क से. क्विक बाइट्स में लिखा है कंप्यूटर नेटवर्क वर्क जस्ट लाइक अ ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, टेलीफोन नेटवर्क और वाटर नेटवर्क. कंप्यूटर नेटवर्क ऐसे ही वर्क करता है जस्ट ट्रांसपोर्ट. कैसे हम नेटवर्क टेलीफोन नेटवर्क करते हैं वन दूसरे को हम फोन घुमाते हैं और वहाँ फोन रिसीव करता है. कैसे हम वाटर नेटवर्क कैसे करते हैं कि इस घर में ऐसे ही कंप्यूटर नेटवर्क भी है. ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क कैसा है हमारे एक दूसरे से वहाँ जो बस है हमारी रेल है वो कैसे वर्क करती है. ऐसे ही
बाद में लिखा है इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट डिवाइस, शेयरिंग ऑफ डेटा, स्टोरेज एप्लीकेशन एंड अदर रिसोर्स, रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू मल्टीटास्किंग। तो इसके हमारे जो लाभ है जिसमें लिखा है कि इसके बेनिफिट्स क्या है, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट डिवाइस, अलग अलग डिवाइस के जरिए हम जो हम हमारे पास यहाँ यही कंप्यूटर है और आप भी घर बैठे जो लर्न कर सकते हैं, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का ही एग्जाम्पल है। शेयरिंग ऑफ डेटा, हम यहीं से आपको शेयर कर सकते हैं जो एक्सरसाइज है वो, स्टोरेज कर सकते हैं एप्लीकेशन एंड अदर रिसोर्स, रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू, जो हम किसी को भी अंकुश कर सकते हैं उसको कट कर सकते हैं वो भी इंफॉर्मेशन आती है। मल्टीटास्किंग है और हम उसमें मल्टी टाइप ऑफ वर्क भी कर सकते हैं। सो यू गुड टू नो में भी लिखा है यू कैन ऑल्सो मैनेज मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम थ्रू अ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क मीन्स इंफॉर्मेशन और शेयर और एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मीन्स जस्ट अ डेटा, डेटा में कोई वीडियो भी आती है, टेक्स्ट पीडीएफ फाइल्स भी आती है, इमेजेस भी आती है, इसको वन पर्सन को अनदर पर्सन शेयर करते हैं, जैसे जो कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। और वो कैसे होता है, वो कनेक्ट मीडिया के जरिए, वो कंप्यूटर जो डिवाइस होते हैं उसी के जरिए वो शेयर होता है। सो नेक्स्ट टॉपिक है नेटवर्क कंपोनेंट। नेटवर्क के कंपोनेंट कौन से हैं, तो लिखा है कि सिंपल कंप्यूटर नेटवर्क रिक्वायर्स द फॉलोइंग फाइव बेसिक कंप्यूटर टूल। जो बेसिक कंपोनेंट है वो पांच प्रकार के, फाइव बेसिक कंपोनेंट टू वर्क डिफरेंट। सो फर्स्ट आता है क्लाइंट। क्लाइंट क्या होता है, क्लाइंट इज अ डिवाइस दैट यूज रिसोर्स अवेलेबल ऑन नेटवर्क। क्लाइंट इज कंप्यूटर सिस्टम दैट यू कैन यूज टू एक्सेस अ नेटवर्क एंड फाइंड द रिक्वायर्ड डेटा। क्लाइंट कंप्यूटर सिस्टम, हम जो क्लाइंट होता है। दूसरा है सर्वर, जो तीसरा है इंटरनेट नेटवर्क का कनेक्टिंग मीडिया राउटर। क्लाइंट इज डिवाइस दैट यूज द रिसोर्स अवेलेबल ऑन नेटवर्क। हम यहीं क्लाइंट जो सर्वर, आगे का टॉपिक सर्वर आएगा, जो क्लाइंट के इसके जरिए हम जो इंफॉर्मेशन होती है उसको हम इसका रिसोर्स अवेलेबल कर दें, उसका यूज कर सकते हैं। जब तो आप अभी आप लर्न कर सकते हैं, तो आपको कैसा यूट्यूब पे आप लर्न करते हैं, तो आप इसका कैसा एग्जाम्पल है, क्लाइंट का ही जस्ट एग्जाम्पल है। जनरली अ क्लाइंट इज कंप्यूटर दैट यू कैन यूज टू एक्सेस नेटवर्क एंड फाइंड द रिक्वायर्ड डेटा। आप जिसका भी डेटा आपको सर्च करना है, जिसके बारे में आपको, वो आप यूट्यूब पे भी लिख के आप लर्न कर सकते हो। तो कैसा आप, तो आप क्या हुए, आप क्लाइंट का एग्जाम्पल हुए। सो क्लाइंट क्या करता है, जो रिसोर्सेज होती है उसको सर्च करके उसको पढ़ने में पढ़ सकता है, उसको यूज कर सकता है। तो वो किसका एग्जाम्पल हुआ, क्लाइंट का एग्जाम्पल हुआ। अब आता है सर्वर। सर्वर क्या है, सर्वर इज डिवाइस दैट प्रोवाइड्स रिसोर्स फॉर अदर कंप्यूटर सिस्टम इन नेटवर्क। इट एक्सेप्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट कंपोनेंट्स एंड रिस्पॉन्स विद रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन। तो सर्वर वो क्या है, जो मेंटेन करता है, जो हम क्लाइंट है, हालांकि जो मुझे कि इसके पालमपुर के बारे में जानना है, तो मैं क्या करूँगा, गूगल पे जाऊँगा और पालमपुर के टाइप करूँगा और उसमें सर्च मारूँगा। तो हम क्या हुए, हम क्लाइंट हुए, लेकिन जो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है पालमपुर के बारे में, उसके वीडियो लिंक, उसके इमेजेस, उसके डेटा, वो कौन दे रहा है, वो सर्वर दे रहा है। वो सारी इंफॉर्मेशन सर्वर में स्टोर होगी, वो सर्वर हमें दे रहा है, वो हम और हम फैच करके उसे ले रहे हैं, में वो रहे, वो इसको एक्सेस कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, इट एक्सेप्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट कंप्यूटर एंड रिस्पॉन्स विद रिक्वेस्ट। हम जो भी इस, हमें पर्टिकुलरली जो भी जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिएगी, वो हम उसको टाइप करके पूछेंगे, तो वो सर्वर हमें वो इसके बारे में जानकारी देगा। सो वो सर्वर किस में गिना जाएगा, हम क्लाइंट हुए और जो पूरी उसकी जो डेटा, उसमें रिसोर्सेज है, वो सर्वर में आएगा। वो हमें पर्टिकुलरली जो हमने डाला हो रिक्वेस्ट, उसके बारे में फेच करेगा डेटा। सो ये सर क्लाइंट सर्वर ये कौन सा कंपोनेंट हुए, नेटवर्क के कंपोनेंट। तीसरा है इंटरनेट नेटवर्क कार्ड्स। एन इंटरनेट नेटवर्क कार्ड इज ऑफन इंक्लूड विद इन द कंप्यूटर सिस्टम, हाउएवर यू कैन ऑल्सो अटैच इट इज सेपरेट कार्ड। इंटरनेट नेटवर्क कार्ड जनरली रिसीव नेटवर्क डेटा इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर एंड सेंड इन द नेटवर्क लिंक। इंटरनेट नेटवर्क कार्ड क्या है, वो एक ऐसे कार्ड आता है, उसके जरिए हम वो नेट का हम एक्सेस कर सकते हैं। एंड इंटरनेट नेटवर्क कार्ड इंक्लूड विद इन द कंप्यूटर सिस्टम में ही वो इंक्लूड
आता है तेम पावर यू कैन ऑल्सो अटैच इट्स सेपरेट कार्ड। वो आप इसमें इसका जो स्लॉट आता है उसके जरिए जो हमें इंफॉर्मेशन जो सर्वर में से ढूंढनी है तो वो किसके जरिए हम को फेच करेगा, तो उसके लिए अलग से भी हम इंटरनेट नेटवर्क कार्ड आता है, इसमें फिगर में दिखा हुआ है, वो इसके जरिए हम इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं और फेच कर सकते हैं सर्वर में से। इंटरनेट नेटवर्क कार्ड जनरली रिसीव नेटवर्क रिलेटेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंपोनेंट्स एंड नेटवर्क लिंक। सो इस नेटवर्क कार्ड भी क्या है, इसमें जो हमारे पर्टिकुलरली जो डेटा है उसको फेच कराता है, फेच हमें जो हमारी सर्च किया है उसके बारे में रिक्वेस्ट डाली है उसके बारे में पर्टिकुलर डेटा हमें देता है। तो ये किसके जरिए इंटरनेट नेटवर्क कार्ड जो आता है, तो ये भी कंपोनेंट हुआ नेटवर्क कंपोनेंट के, इसके जरिए ही क्लाइंट और सर्वर के बीच कम्युनिकेशन होता है। बाकी जो इंटरनेट नहीं हुआ तो हम टाइप करके तो भी वो हमें डेटा नहीं देगा क्योंकि वो इंटरनेट के जरिए ही हमें कम्युनिकेशन होता है। सो फोर्थ पार्ट इज कनेक्टिंग मीडिया। अ कनेक्टिंग मीडिया हेल्प्स इन ट्रांसफरिंग सिग्नल्स फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। कनेक्टिंग मीडिया इंक्लूड्स अ फिजिकल केबल, फॉर एग्जाम्पल कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल एक्सेट्रा। इन केस द नेटवर्क कम्युनिकेशन इज वायरलेस एयर एक्ट्स एज द कनेक्टिंग मीडियम टू ट्रांसफर नेटवर्क सिग्नल, दिस टाइप कनेक्टेड इज कॉल्ड वाईफाई कनेक्शन। अब क्या है कि कनेक्टिंग मीडियम हेल्प्स जो हमें सिग्नल्स है जो डिवाइस वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस ट्रांसफर करना है, तो वो कनेक्टिंग मीडिया वो जो इसमें लिखा है नेटवर्क केबल है इस वो फिगर में शो कर रहा है, इसके जरिए हम उसका जो केबल डिवाइस डेटा है वो शेयर कर सकते हैं। कनेक्टिंग मीडिया इंक्लूडेड फिजिकल केबल, वो फिजिकल केबल भी आता है जो कोएक्सियल केबल होता है, फाइबर ऑप्टिक केबल एक्सेट्रा आते हैं जो वो इसमें फिगर में लिखे हुए जो हमें अटैच करेंगे जैसे ही स्लॉट में, तो उसका प्रोसेस नेटवर्क नेट चालू हो जाएगा। इन केस द नेटवर्क कम्युनिकेशन इज वायर, अब वायरलेस भी कम्युनिकेशन आ गया है जैसे कि वाईफाई, एयर एक्ट्स एज द कनेक्टिंग मीडियम टू ट्रांसफर नेटवर्क दिस टाइप कनेक्टिंग इज कॉल्ड वाईफाई। वाईफाई कनेक्शन क्या है, जो सिग्नल्स है डिजिटली जो हमें दिख नहीं रहा रियली जो हार्ड कॉपी में दिख नहीं रहा लेकिन वो है, जो उसके जितनी उसकी रेंज है वो उसके इस उतना उसमें वाईफाई आएगा। जैसे कि ब्लूटूथ है जो हमें दिख नहीं रहा लेकिन उसकी जितनी रेंज है उसमें उसमें वो शो करेगा। जो एक कनेक्टिंग मीडिया है वो भी वो पार्ट्स है इस कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के नेटवर्क कंपोनेंट्स के। सो और लास्ट क्या है, फिफ्थ है राउटर। राउटर इज ए स्पेशल डिवाइस दैट कनेक्ट्स वन नेटवर्क विद अनदर। सो राउटर इस फिगर में दिख रहा है आपको, वो क्या करेगा, मल्टीपल जो कंप्यूटर होते हैं उसको उसमें अटैच करेंगे तो सारे कंप्यूटर में उसको डेटा नेट मिलेगा। इट कॉन्स्टेंटली सर्च फॉर एन अवेलेबल रूट टू कनेक्ट, रूट में भी वायर्ड और वायरलेस। राउटर क्या है, उसको जो वायर्ड भी होता है वायरलेस भी होता है पर्टिकुलर या रूट, और राउटर मूड रूट उसका डिफाइन करेगा। रूट इज स्पेशल डिवाइस दैट कनेक्ट्स वन नेटवर्क विद अनदर। इट कॉन्स्टेंटली सर्च फॉर एन अवेलेबल रूट टू कनेक्ट, राउटर में भी वायर और वायरलेस। राउटर जो हमारे लैब में राउटर है वो आप जब भी प्रैक्टिकली आएगा तब आपको देखने को मिलेगा और कैसे राउटर वर्क करता है, एक की राउटर के जरिए हम कितने सारे कंप्यूटर को नेटवर्क नेट से कनेक्ट कर सकते हैं और वायर कैसे वो वर्क करता है उसके बारे में जानेंगे। तो राउटर क्या है, मीन्स वायर भी आता है उसके साथ और वायरलेस भी आता है। तो जो इस फिगर में शो कर रहा है कुट्टू नो में लिखा है कि बिसाइड द फाइव बेसिक कंपोनेंट में ऑल्सो इंक्लूड सेलर पेरिपल्स नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम हब स्विच एक्सेट्रा। अब हब स्विच वो भी एक नेटवर्क के अलग से कंपोनेंट है वो, पर वो भी आएगा वो बाद में हम उसके बारे में भी जानेंगे वो भी कैसा आता है और कैसे वर्क करता है। लेकिन जो ये फाइव जो बेसिक है उसके कंपोनेंट नेटवर्क के वो क्या है, फर्स्ट क्लाइंट जो हम सर्वर जो हमें डेटा देता है और वो क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो कैसे रिलेशन होता है, तो इंटरनेट नेटवर्क कार्ड के जरिए होता है, कनेक्टिंग मीडिया के जरिए होता है और राउटर के जरिए भी होता है। सो अब हम पढ़ेंगे लास्ट टाइप ऑफ नेटवर्क।
तो नेटवर्क के कितने टाइप आते हैं, कैसे ये नेटवर्क क्या है। सो इस पर लिखा है कि डिपेंडिंग ऑन द साइज स्ट्रक्चर एंड रिक्वायरमेंट कंप्यूटर नेटवर्क इज जनरली कैटेगराइज इनटू द फॉलोइंग टाइप। इसके टाइप लिखे हैं, लेकिन पहले नेटवर्क होता क्या है। तो नेटवर्क मीन्स हमें कोई किसी रूट पे जाना है, किसी यहाँ से मानो अहमदाबाद जाना है, तो हम पहले क्या करेंगे, उसका पाथ, उसका जो रास्ता कहाँ से कहाँ जाता है वो डिफाइन करेंगे। यहाँ से हम बैठेंगे तो वहाँ पहुँचेंगे, उसको ऐसे हमने डिफाइन किया जो कि, तो वो एक प्रकार का क्या हुआ, नेटवर्क ही हुआ। जो हमें ये जो एक बस के जरिए वहाँ से वहाँ जाते हैं तो वो नेटवर्क का प्रकार ही हुआ। जैसे कि टेलीफोन, टेलीफोन मीन्स क्या है, हम यहीं से कहीं भी फ़ोन घुमा सकते हैं और बात कर सकते हैं, तो वो भी कैसा टाइप, वो नेटवर्क का टाइप नेटवर्क ही हुआ। जैसे कि हम अभी पढ़ रहे हैं तो वो भी कैसा नेटवर्क का ही प्रकार हुआ। जैसे कि और जहाँ ATM है तो ATM के जरिए हम कहीं से भी कहीं भी पैसे उठा सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं, तो वो भी नेटवर्क का ही प्रकार हुआ। मीन्स नेटवर्क इज वन टाइप ऑफ रूट, हमें जो जो रूट जो हम को कनेक्ट करता है इच अदर, और उस तो इससे क्या होता है वो फास्ट हो जाता है, और उस जो पोस्ट होती है वो, और हम कहीं से भी कहीं से रूट हमारा डिफरेंट डिफरेंट टाइप भी रूट आ सकते हैं। कोई उसको पट्टी हमें अहमदाबाद जाना है तो हमें यहीं से भी जा सकते हैं, हम घूम के भी जा साबरकांठा से भी जा सकते हैं, यहीं से मेहसाणा से भी जा सकते हैं, यहीं से पाटन से भी जा सकते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट कहीं से भी जा सकते हैं। वो तो मीन्स नेटवर्क इज डिफाइन द पाथ, डिफाइन द कनेक्ट ईच अदर। सो लेट्स स्टार्ट द कितने इन कंप्यूटर कितने टाइप के नेटवर्क होते हैं। फर्स्ट है पान, जो दूसरा है लैन, तीसरा है मैन, और चौथा है वैन। सो क्या है, पहला है पान, जो क्या है इसका फुल फॉर्म है पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसमें लिखा है यू मे हैव मल्टीपल डिवाइस जैसे लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट्स एक्सेट्रा विच आर इंटरकनेक्टेड। दिस डिवाइस कैन बी कनेक्टेड यूजिंग वायरलेस मीडियम, दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड पर्सनल एरिया। पान मीन्स का है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो हमारे जो लैपटॉप या PC या जो पर्टिकुलर टैबलेट स्मार्टफोन है जो यहीं जो किसी एक रूम में ही रखे और वन टेबल पे ही हमें एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना है, तो वो किसके जरिए करेंगे। डिवाइस में जो फिगर में शो कर रहा है कंप्यूटर है टैबलेट है, वो इस अदर पे यूज कैसे करेंगे वो इस। तो ये कौन सा नेटवर्क हुआ जो वन, तो ये पर्सनल एरिया नेटवर्क है, कोई बाहर से इसकी ज़रूरत ही नहीं है। इफ मल्टीपल कुट्टू में लिखा है मल्टीपल यूजर यूज पान इज कॉल्ड होम एरिया नेटवर्क, उसको होम एरिया नेटवर्क भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें कोई बाहर इतना कोई रूट उतने नेटवर्क की ज़रूरत ही नहीं है। जो पर्टिकुलर हम किसी एक टेबल पर बैठ पे कर भी उसका यूज कर सकते हैं, तो उसको पर्सनल एरिया नेटवर्क में गिने जाएगा। और किसका यूज करेंगे, नेटवर्क का, जो हमें नेट एक्सेस कर सकते हैं, इसी एक जदर कनेक्ट कर सकते हैं। अब आता है लोकल एरिया नेटवर्क, तो उस लैन, तो लैन में क्या है, लैन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। इट इज नॉर्मली फाउंड इन अ स्मॉल एरिया लाइक बिल्डिंग। अ लैन कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड टू ईच अदर। ऑल द कंप्यूटर कनेक्टेड ऑन लैन यूजुअली यूज एन इंटरनेट केबल दैट प्रोवाइड। सो लैन मीन्स जो हमारी PC, हम जो स्कूल में जो PC है, जो लैब है, जो वो लैब में सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट है, तो वो किसका एग्जांपल हुआ, वो लोकल एरिया नेटवर्क का वो हुआ। जो इसमें क्या है, वो पर्टिकुलर वन जिस फिगर में शो कर रहा है कि वन है कोई हब है कोई, उसके जरिए फोर चार डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं। सो ये किसका हुआ एग्जाम्पल, लैन का। लैन मीन्स वो पर्टिकुलर एक कोई बिल्डिंग है उसकी भी रेंज आती है, वो आगे हम आएंगे, वो स्मॉलेस्ट डिवाइस है उसके सिंपलेस्ट, उसकी कोई ज़्यादा रेंज नहीं होती। पर्टिकुलर एक बिल्डिंग में रूम में भी हम उसका यूज कर सकते हैं, तो वो लोकल एरिया नेटवर्क का एग्जांपल हुआ। और उसका ईच कनेक्ट करके ईच अदर हम उसका यूज कर सकते हैं। जो पहला था पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो हम पर्टिकुलरली एक टेबल रूम के टेबल पर ही बैठ के यूज कर सकते हैं, तो वो किसका, इट्स कॉल्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क मीन्स वन पर्टिकुलर बिल्डिंग, हम स्कूल की लैब में बैठे सबके कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं,
जो फी, तो वो लोकल एरिया नेटवर्क का एग्जांपल हुआ। गुड टू नो में लिखा है इंटरनेट केबल कैरीज ब्रॉडबैंड सिग्नल्स फ्रॉम योर मॉडेम एंड रूट टू अदर कंप्यूटर। सो अब तीसरा को है मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, तो वो क्या है, इट्स मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क में टू और मोर लेंस आर कनेक्टेड विच द मेन इज सेपरेट अक्रॉस वायर जियोग्राफिक एरियाज। सो मेट्रो इसमें फिगर में शो कर रहा है कि ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ लोकल लेन है, वन बिल्डिंग टू अनदर बिल्डिंग, ऐसे जो डिफरेंट कोई सिटी में ऐसे बहुत सारी बिल्डिंग है जो एक दूसरे को कैसे कनेक्ट करते हैं, तो वो किसमें गिना जाएगा वो नेटवर्क, तो वो मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, उसकी साइज बढ़ जाएगी। पहला जो होम एरिया नेटवर्क पर पटा जैसे कि पान, उसके उस वो साइज के मात्रा में उस कम है, उसके लिमिटेड है। उसके बाद आता है लेंथ, जो उसके साइज थोड़ी इसके से ज़्यादा है लेंथ, तो और उसके बाद भी जब आता है मेट्रोपोलियन नेटवर्क एरिया नेटवर्क, उसकी लेंथ उससे भी ज़्यादा है, उससे क्या एक दूसरे से कनेक्ट होता है वो, उस ऐसे बहुत सारे लेन जो कनेक्ट होते हैं, और तब उसकी उसी का भी एक बंच बनता है, उसी को एक और तब जाके इंफॉर्मेशन हम यूज करते हैं एक्सचेंज करते हैं, तो वो किस नेटवर्क में गिना जाएगा, वो मेट्रोपोलियन नेटवर्क में। अब इसमें लिखा है कि अ मैन अलाउ हाई स्पीड कनेक्शन बिटवीन मल्टीपल कंप्यूटर अक्रॉस ग्रेट डिस्टेंस, उसकी डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि वो लेन पर्टिकुलरली वन बिल्डिंग में ही था। अब मेट्रोपोलियन तो पूरा पूरी सिटी में होगा, वो पूरे सिटी को कवर करेगा और उसकी स्पीड और लेंथ भी अच्छी होगी। क्विक बाइट्स में लिखा है फिजिकल मीडिया सच एज फाइबर ऑप्टिक केबल आर जनरली टू क्रिएट अ मैन, जो और वो कैसे कनेक्ट एक दूसरे का हो गए, तो फिजिकल मीडिया जो हमारे जो केबल है, केबल के जरिए भी वो एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। लेकिन अब आता है लास्ट वाइड एरिया नेटवर्क वैन, इसमें क्या है, इन वाइड एरिया नेटवर्क मल्टीपल लेंस एंड मैन आर कनेक्टेड विच ईच अदर टू क्रिएट एन एक्सटेंड नेटवर्क। सो इसमें मल्टीपल लेंस और मैन एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, उसमें वायर लेस भी होते हैं क्योंकि वो एंटायर द वर्ल्ड पूरी कंट्री को पूरे वर्ल्ड को वो कवर करता है वैन, वो सब ओशन भी आता है, कोई डेजर्ट भी आता है तो भी उसको भी कवर करता है, वो वायर लेस भी होता है और वायर भी होता है कि कई बार वायर अब तो वायर लेस ही या पूरा का पूरा है। इसमें लिखा है कि वो मल्टीपल लेन ऐसे छोटे छोटे मैन लेन हैं, ऐसे मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क मल्टीपल सिटी के मैन हैं, वो सारे नेटवर्क को कवर करेगा। दिस लेंस आर लोकेटेड एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर सच एज टाउन सिटी और कंट्रीज, स्पेशल रूट्स आर यूज्ड अक्रॉस द नेटवर्क एज द नेटवर्क स्पीड ऑफ दिस कनेक्शन डिफरेंट सिग्निफिकेंटली। सो वैन इट्स मैन से भी ज्यादा है, वो पूरा कंट्री को वर्ल्ड को कवर करेगा, तो उसको नेटवर्क और उसके जरिए हम भी जो हमारे इंटरनेट है जो इसमें हमें सारी कोई वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन सर्च करनी है जाननी है, तो वो किसके जरिए किसका नेटवर्क कम्युनिकेशन है किसका एग्जांपल है, वो वाइड का एरिया नेटवर्क का ही एग्जांपल है, क्योंकि हमें कोई ऑस्ट्रेलिया के बारे में हमें किसी को जानना है तो कैसे हम चैन पता करेंगे, वो वाइड एरिया नेटवर्क से ही उसको एग्जाम्पल इसका ही है, तो पूरा एंटायर तब कवर करता है वर्ल्ड को और उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन फैच करता है। सो इसमें लिखा है इस फिगर में लैन कैसे है, मैन कैसे और वाइड एरिया नेटवर्क कैसे कहा जाता है। सो गुड टू नो में डिफरेंट कनेक्टिंग मीडिया आर यूज्ड टू क्रिएट वैन विच मीन गुड टेलीफोन लाइंस केबल रेडियो वेव्स। अब आता है इंटरनेट, तो इंटरनेट किसका एग्जाम्पल है, वाइड का वाइड एरिया नेटवर्क वैन का ही एग्जाम्पल है। इंटरनेट इज ए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स अराउंड द वर्ल्ड। इंटरनेट क्या है, ग्लोबल नेटवर्क है, बहुत सारा बड़ा नेटवर्क जो हमें कहीं भी किसी भी किसी जानकारी लेनी है उसके बारे में डेटा शो करना है, जो हमें यूट्यूब पे है या पर्टिकुलरली मीडिया सोशल मीडिया के जरिए हम जो नेटवर्क कनेक्ट हो उसके डेटा फेच करते हैं, वो किसका एग्जाम्पल है, इंटरनेट के जरिए ही हम उसका यूज कर सकते हैं। दिस कंप्यूटर एक्सेस लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू डेडिकेटेड सर्वर, यू कैन यूज ऑनलाइन सर्विस ऑफर्ड बाय इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर टू फाइंड इंफॉर्मेशन प्रेजेंट ऑन द इंटरनेट। जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है ISP, उसके जरिए हम उसमें सारी इंफॉर्मेशन
भेज कर सकते हैं, आप घर बैठे लर्न कर सकते हो, वो भी किसका ही एग्जाम्पल है, इंटरनेट का ही एग्जाम्पल है। लेट्स लर्न सम कॉमन टर्म्स एसोसिएटेड विद द इंटरनेट। तो फर्स्ट आता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या है? दिस इज कॉमर्शियल सर्विस रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्शन। ये कॉमर्शियल सर्विस है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो हमें किसी को नेट फ्री में कोई देता नहीं है। हम क्या है सर, किसी को भी रेंट देते हैं, उसका जो प्राइस होती है वाउचर, वो उसका जो प्लान होता है वो हम पे करते हैं, तभी जाके हमें नेट उसको यूज करने को मिलता है। तो वो कौन सा मेंटेन करता है, वो किससे में, तो वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के जरिए उसको कितना पर्टिकुलर डे का कितना नेट देना है, कितनी इसकी लिमिट है, वो सारा तय कौन करता है? जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ISP ISPs allow your computer to connect with interconnected servers so that you can serve the internet. So ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के जरिए इंटरनेट हमें मिलता है और उसी के जरिए हम सर्फिंग कर सकते हैं, इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। एंड ASP ओपन प्रोवाइड यू विथ वेरियस ऑप्शन टू एक्सेस द इंटरनेट एट डिफरेंट स्पीड एंड डेटा लिमिट्स। जो हमने पहले ही पढ़ा उसकी लिमिट और स्पीड भी मेंटेन कौन करता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। सो सेम मोर सम एग्जाम्पल ऑफ ISP आर महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, विदेश संचार निगम लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड, BSNL, VSNL, MTNL, सिप्ट इंटरनेट सर्विस, हाथवे इंटरनेट प्रोवाइडर, टिकोना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। वो सारे क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, इसके जरिए वो इंटरनेट का उन्होंने जो है फ्रेंचाइजी वो ले रखे है, उस मालिकी जो वो मेंटेन करते हैं, जो हमने पहले ही पढ़ा उसकी डेटा स्पीड, उसकी लिमिट, उसकी जो। अब नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेट नेटवर्क नोड्स। इंटरनेट नेटवर्क नोड्स आर सेपरेट कंप्यूटर सिस्टम, दे कैन एक्सचेंज डेटा विद अदर कंप्यूटर्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड होस्ट कंप्यूटर। दिस कंप्यूटर एक्ट एज अ पॉइंट ऑफ कनेक्शन एंड कंट्रोल द टॉपिक डेटा, दे रिसीव डेटा स्टोर इट एंड देन सेंड इट रिक्वायर्ड। सो इंटरनेट नेटवर्क नोड्स में क्या है कि हम कहीं भी एक्सचेंज डेटा कर सकते हैं, दे आर ऑल्सो होस्ट कंप्यूटर के जरिए वन उसका सारा डेटा वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर एक्सचेंज कर सकते हैं। दिस कंप्यूटर एक्सचेंज पॉइंट ऑफ कनेक्शन एंड कंट्रोल कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं ट्रैफिक और पूरे डेटा को, दे रिसीव डेटा स्टोर एंड सेंड। जो इसका डिफरेंट टाइप ऑफ जो इंटरनेट नेटवर्क के नोड होते हैं उसके जरिए से वो डेटा को मेंटेन करता है, वो डेटा को उसको प्रॉपरली एक्सचेंज करता है, कैसे वो ट्रैफिक जो डेटा की ना हो उसको कंट्रोल, वो सारे डेटा को जो मेंटेन कौन करता है? तो इंटरनेट नेटवर्क नोड। उसके जरिए जो नोड है उसके जरिए कंप्यूटर सिस्टम में क्या हमारे जो किसी भी ने भी यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किया हुआ है, किसी ने अपना कोई सोशल मीडिया पे फोटो डाली हुई हो, वो सारे को मेंटेन किसी के जरिए उसकी साइज और लिमिट के जरिए मेंटेन इंटरनेट नेटवर्क नोड के जरिए होता है। इंटरनेट और टॉपिक है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल इज सेट ऑफ रूल्स फॉर ईच कंप्यूटर टू टॉक टू ईच अदर वाइल कनेक्टेड थ्रू द इंटरनेट, एंड IP प्रोवाइड अ पाथ टू डिफरेंट होस्ट कंप्यूटर टू इनेबल इंटरनेट एक्सेस। सो आई जस्ट इंटरनेट प्रोटोकॉल का पर्टिकुलर कोई इसका प्रोटोकॉल होता है, ईच कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर टू टॉक कर सकता है थ्रू द इंटरनेट, IP पोर्ट्स फॉर डिफरेंट होस्ट कंप्यूटर इनेबल। सो पर्टिकुलर उसका जो प्रोटोकॉल जो इसमें आते हैं उसका किसी को बैन करना है, किसी को प्रोहिबिशन, किसी पे अंकुश होता है, वो सारा मेंटेन इंटरनेट प्रोटोकॉल के जरिए उसके पर्टिकुलर रूल्स होते हैं, उसके जरिए हम एक दूसरे से ईच टॉक टू वन अदर मीडिया डिफरेंट होस्ट कंप्यूटर एंड इनेबल इंटरनेट एक्सेस। उसके जरिए इंटरनेट एक्सेस भी कर सकते हैं और उसका पर्टिकुलर डेटा को मेंटेन भी कैसे, वो भी किस्म का पार्ट है इंटरनेट प्रोटोकॉल का ही। सो इसमें हम कॉमन टर्म्स क्या पढ़ी हमने इंटरनेट में कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो जो इंटरनेट देता है, इंटरनेट नेटवर्क नोड के जिसे डेटा कंट्रोल ट्रैफिक करता है मेंटेन करता है, और अब इंटरनेट प्रोटोकॉल के जिसे अलग डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल आते हैं। जैसे कि हमें किसी का मेल सेंड करना है तो उसमें क्या है क्या फाइल मेल, तो उसका अलग डिफरेंट प्रोटोकॉल है, जैसे कि FTP तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल,
जो हमें किसी को फाइल सेंड कर दी तो वो उसका भी प्रोटोकॉल अलग है, किसी को वो डिफरेंट आपको पढ़ने में अगर आएगा कि कितने टाइप ऑफ प्रोटोकॉल है। जैसे SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो हमें किसी को मेल ट्रांसफ़र करना है तो वो किस में जाएगा, वो मेल के जो प्रोटोकॉल में जाएगा, उसके जरिए हम किसी को मेल सेंड कर सकते हैं एंड वो रिसीव कर सकते हैं उसको। जो तो जो सारे मेल है वो किसके कंट्रोल करेगा, वो मेल सिम मेल के प्रोटोकॉल में होगा। जो सारे किसी को अब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है तो वो FTP, वो सारे फाइल किस वो उसका बंच है पर्टिकुलरली वन, जिसके जैसा जिसका टाइप है उसके जरिए उसका प्रोटोकॉल किया हुआ उस, और वो वही जो एक्सचेंज और रिसीवर जो सेंड और रिसीवर में डेटा है वो पर्टिकुलरली उसी में ही स्टोर होगा और एक मेंटेन करता है। सो वो भी प्रोटोकॉल में आता है। आपको सारी जानकारी पर्टिकुलर जब आगे आएंगे तब मुझे अच्छी तरह से पता चलेगा, जब आप लैब में भी परफॉर्म करेंगे कि कैसे वर्क करता है। सो अब आता है कंप्यूटर ऑन द मूव, पोर्टेबल डिवाइस सच लैपटॉप कैन कनेक्ट टू द इंटरनेट नेटवर्क आउटसाइड योर होम और वर्क स्पेस। दिस टाइप ऑफ मोबाइल नेटवर्क प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर एनी फिजिकल वायर कनेक्शन, यू कैन ट्रैवल मोबाइल स्टिल स्टे। अब में लिखा है कि वायरलेस कम्युनिकेशन भी कैसे हम कर सकते हैं, तो उसके बारे में वायरलेस कम्युनिकेशन इंक्लूड ट्रांसमिशन ऑफ डेटा विदाउट वायर्स, हियर डिवाइस आर कनेक्टेड यूजिंग रेडियो वेव्स ईच अलाउ ट्रांसफर। जो हम जो पूरा वाईफाई है जो आप मोबाइल में भी हॉटस्पॉट है वन, इसके जरिए भी आप दूसरे को भी वाईफाई के जरिए कनेक्ट करके उसका नेट एक्सेस कर सकते हैं। सो एक वायरलेस कम्युनिकेशन बारे में हम जानेंगे कि क्या है। तो वो उसके लिए वायरलेस नेटवर्क यूजुअली पैन लैन क्रिएटिंग यूजिंग रेडियो कम्युनिकेशन सचेस कैन वर्क विद मल्टीपल डिस्टेंस। सो वायरलेस नेटवर्क कम्युनिकेशन क्या है, वो रेडियो वेव्स है जो हमें दिख नहीं रहे लेकिन वो है ही, उसकी पर्टिकुलर रेंज है, वो उसके रेंज में जितने भी कंप्यूटर जाते हैं उसको उसको एक में जोड़ता है, उसको कनेक्ट करता है और उसमें डेटा हम एक्सेस कर सकते हैं। उसकी जो लिमिट रखी होती है और उसकी रेंज भी रखी होती है, वो हमें रियल में रेडियो वेव्स देखते नहीं हैं लेकिन ये होते हैं। वो किस को तो वो कौन सा एग्जाम्पल हुआ, वो वायरलेस कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल हुआ जिसमें ये फिगर शो कर रहा है। सो वाईफाई इज वाइडली यूज्ड टू एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन लोकल कॉफी शॉप लाइब्रेरी एक्स्ट्रा। सो हाउ डज वाईफाई वर्क, सो वाईफाई वर्क का यूज कहाँ कहाँ होता है वो हमने पढ़ा कि रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट लाइब्रेरी इसमें वर्क करता है। वर्क कैसे करता है वाईफाई, मल्टीपल वायरलेस लेंस कैन क्रिएट मेन ग्रुपिंग टू एक्सेस अ नेटवर्क लाइक द इंटरनेट ओवर वाईफाई यू नीड द फॉलोइंग। सो हमें वाईफाई का यूज करना है तो इसके बेसिक जरूरत रहेगी, रूटर और मॉडेम दैट इज कैपेबल ऑफ ट्रांसफरिंग वायरलेस सिग्नल्स। जो रूटर और मॉडेम क्या है, वो वायरलेस जो सिग्नल्स होते हैं उसको ट्रांसफर करता है, उसको मेनटेन करता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट इनेबल डिवाइस लाइक कंप्यूटर और मोबाइल फोन्स विद वाईफाई कार्ड्स, जिसमें वाईफाई हो, जैसे कि मोबाइल में वाईफाई आता है, कोई कंप्यूटर में वाईफाई नहीं है तो वाईफाई कार्ड के जरिए वाईफाई उसी के जरिए हम यूज कर देंगे। तो वाईफाई का यूज हम कैसे करें, कैसे होता है, रूटर और मॉडेम है जो पर्टिकुलरली रेंज और के लिमिट के जरिए वो सिग्नल देते हैं, और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो हमें जो हमारा प्लान हमने रेंट पे लिया हुआ है बाई किया हुआ है उसी तब जाके इंटरनेट ने और हमारे जो, तो उसमें 3 बेसिक की ज़रूरत रहेगी, रूटर मॉडेम राउटर और मॉडेम, तो उसके वो डेटा को कंट्रोल करेगा ट्रांसमिट करेगा। बाद में आता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो हमें हमारा प्लान खरीद जो हो प्लान मैंने जो सॉरी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर में क्या है कि हमने जो प्लान अब हमें कहाँ जही कहाँ भी एक्सेस करना है वो मोबाइल है या कंप्यूटर, उसमें जो वाईफाई एल होगा तो उसके जरिए हम उसका यूज कर सकते। राउटर इज वायरलेस ट्रांसमिट डिवाइस दैट रिलेज रेडियो वेव्स टू एंड फ्रॉम द इंटरनेट
These radio waves are transmitted from routers or computers located within a specific range, for example, 10 feet, connect immediately. Wi-Fi cards in the computer sense the signals created internal between the computer and the network. So, वही हमने जो पढ़ा कि राउटर जो स्पेसिफिक उसकी रेंज है उसके जरिए उसको रेडियो वेव्स प्रसारित करेगा, और जो हमारे जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के जरिए जैसे कि BSNL का हमने कोई प्लान ले के रखा हुआ है पर डे 2GB नेट, तो उस वो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और पर्टिकुलर हमारा मोबाइल हॉटस्पॉट और के वाई में जो वाईफाई है, और पर्टिकुलर जो कोई PC में वाईफाई ऑन करना पड़ेगा। सो तीन डिवाइस के जरिए हम इंटरनेट का एक्सेस कर सकते हैं, वायरलेस इंटरनेट का, इसी के बारे में यहीं पे है। इसी तरह से उसका पठन करेंगे, क्योंकि ये आपको आप समझ अच्छी तरह से नहीं आएगा। इसमें लिखा है कि कनेक्टिंग टेक्नोलॉजी, द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी मेक यूज ऑफ मल्टीपल टाइप्स ऑफ रेडियो वेव्स टू इनेबल मोबाइल कंट्रोल। वायरलेस ब्रॉडबैंड, ब्रॉडबैंड केबल कनेक्ट्स टू राउटर टू द नेटवर्क, वेयर द राउटर देन ट्रांसमिट द नेटवर्क सिग्नल्स वायरलेसली टू योर डिवाइस। मोबाइल इंटरनेट यूज डिजिटल वाईफाई सैटेलाइट नेटवर्क कनेक्टिंग टेबल। सो इसके जरिए हम इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। तो वायरलेस भी आता है जो रेडियो वेव्स की तरह से, मोबाइल इंटरनेट भी आता है जो मोबाइल में हमारा प्लान वो डेटा स्टार्ट करते ही रेडियो वेव्स के जरिए उसका यूज कर सकते हैं, वाईफाई के जरिए भी यूज करते थे। ब्रॉडबैंड जो हमारा जो केबल है लैन हो, जो पर्टिकुलर जो कोई एक्सियल केबल जो आते हैं उसी को डालते स्लॉट में डालते उसको एक्सेस कर सकते हैं। सैटेलाइट नेटवर्क इसके एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट ट्रांसमिट रिसीविंग सिग्नल बिलोंगिंग टू नेटवर्क। अब वायरलेस हार्डवेयर, स्पेशल इक्विपमेंट आर रिक्वायर्ड टू हेल्प मोबाइल डिवाइस कनेक्ट विद वायरलेस नेटवर्क। इक्विपमेंट रिक्वायर्स रिसिपीटर मीडियम टू सेंड और रिसीव डेटा। स्पेशल डिवाइस सच एज वायरलेस हार्डवेयर भी आते हैं। अब वायरलेस हार्डवेयर भी है कि कैसे इतने स्पेशल इक्विपमेंट जो ऐसे साधन बने हुए हैं टू मोबाइल डिवाइस कनेक्ट विद वायरलेस नेटवर्क। द इक्विपमेंट रिक्वायर्स रिसीवेबल मीडियम सेंड और रिसीव डेटा। स्पेशल डिवाइस सच एज वायरलेस डोंगल्स और पोर्टेबल USB मॉडेम व्हिच अलाउ यू टू एक्सेस द इंटरनेट थ्रू सेल फोन नेटवर्क प्रोवाइडर। सो इसमें क्या है कि पहले डोंगल जो आपने पढ़ा होगा, तो डोंगल आता है उसी के जरिए है, क्या है कि उसके पर्टिकुलर वो उसका वर्क ही है, वो बनाई है उसके लिए कि उसके जरिए हम इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। इसमें वायरलेस हार्डवेयर की फोटो रखी है जिसको डोंगल कहते हैं, जैसे कि वो कोई प्लान है तो डोंगल आता था आपको, डोंगल रियली आप उसके कैसा यूज होता था वो आपको जब ऐसे तो पता नहीं चलेगा, लेकिन तो उसके जरिए क्या है कि उसका वायरलेस हार्डवेयर का यूज हम कर सकते हैं। वो पर्टिकुलरली नेट के आदान प्रदान करने के लिए ही उसका सिस्टम रचना हुई है, उसे वायरलेस हार्डवेयर ऐसे आते हैं जैसे कि कोई हमें कोई किसी की ज़रूरत भी नहीं रहती, किसी कोई ऐसे कि हमने जी बटा वो सारे नहीं हैं रिसोर्सेज तो कैसे नेट का एक्सेस कर सकते हैं। तो ऐसे वायरलेस हार्डवेयर भी आते हैं जैसे डोंगल, इसके इसे जरिए हम केबल के कंप्यूटर में स्लॉट में डालते ही उसका एक्सेस कर सकते हैं उसके जो सिस्टम से बने हुआ है। सो इसमें हमने क्या बढ़ा आज की, कंप्यूटर नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड टू ईच अदर कम्युनिकेशन करता है, एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन उसको कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। तो उसके फाइव बेसिक कंपोनेंट, क्लाइंट सर्वर रूटर इंटरनेट नेटवर्क कार्ड कनेक्टिंग मीडिया। और नेटवर्क के कितने प्रकार आते हैं डिपेंडिंग ऑन साइज स्ट्रक्चर एंड रिक्वायरमेंट, तो पान लैन मैन और वैन। अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अलाउ योर कंप्यूटर टू कनेक्ट विद एन इंटरकनेक्टेड सर्विस विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड द इंटरनेट नेटवर्क नोड्स। जो सर्विस प्रोवाइडर में हमने क्या है, जो हमें कंपनी है जो BSNL एयरटेल वोडाफोन जो हमें नेट देती है उसका, और प्रोटोकॉल क्या है तो फाइल टाइप प्रोटोकॉल SMTP प्रोटोकॉल जो पर्टिकुलरली जिसका जैसे वर्क करना है और इसके जैसे नोड है उसके जरिए वर्क करता है। ये सारे हमने पढ़ने की कोशिश की। अब पोर्टेबल डिवाइस है जैसे लैपटॉप कैन कनेक्ट इंटर। पोर्टेबल डिवाइस क्या है जो हम घर में बैठकर भी उसका यूज कर सकते हैं, तो ऐसे डोंगल है, वायरलेस वाईफाई है इसके जरिए हम इसका यूज करेंगे। ऐसा सारा मूल अच्छी तरह से हमने पढ़ने की कोशिश की। अब कैसे इसका नेटवर्क का टाइप्स
कैसे वर्क करता है ईच ऑफ देयर कम्युनिकेशन. सो नाउ स्टार्ट द एक्सरसाइज. फर्स्ट लिखा है कि ट्रू और फॉल्स, कम्युनिकेशन साइकिल इज वन वे प्रोसेस. तो फॉल्स, वन वे प्रोसेस है ही नहीं, वो मल्टी टास्किंग और बहुत बड़ी प्रोसेस है, उसको पर्टिकुलर वन वे प्रोसेस है नहीं है, वो फॉल्स है, क्योंकि वहाँ कहीं से भी कहीं भी उसका एक्सेस करना होता है. सेकंड लिखा है स्पेशल कनेक्टिंग मीडिया यूज टू लिंक डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम. सो ट्रू, स्पेशल कनेक्टिंग मीडिया यूज टू लिंक डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम. थ्री, अ लैन कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ नेटवर्क कनेक्टेड टू इच अदर. सो ट्रू, क्योंकि लैन का यूज कब होता है, स्मॉल ग्रुप नेटवर्क में ही उसका यूज होता है, पर्टिकुलरली वन बिल्डिंग वन रूम में उसका यूज होता है. फोर्थ है रूटर में भी वायर्ड और वायरलेस. हाँ, तो ट्रू, रूटर वायर और वायरलेस भी आता है राउटर. फिफ्थ में है मोबाइल फोन आर यूज डिजिटल रेडियो ट्रांसमिट थ्रू केबल्स. तो केबल्स के जरिए मोबाइल फोन का यू फॉल्स है, क्योंकि मोबाइल फोन वायरलेस है, उसमें किसी केबल की जरूरत ही नहीं, चार्जिंग के वक्त होती है, बाकी और ट्रांसमिट जब डेटा करना होता है, बाकी ये फॉल्स लिखा है कि केबल का यूज होता है डेटा ऑन करने के लिए, क्योंकि इसमें वो उसका ऑप्शन आता ही है. अब बी में है मैच द कॉलम्स. तो वाईफाई मीन्स अ कनेक्शन इन विच स्पेशल रेडियो वेव्स आर यूज्ड टू ट्रांसमिट नेटवर्क सिग्नल्स. सेकंड है मेन. तो मेन है नेटवर्क इन विच लैंस आर लोकेटेड अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर. फॉर एग्जाम्पल अक्रॉस अ टाउन. अक्रॉस अ टाउन जैसे मल्टीपल लैन है, उसको को कनेक्ट करता है, उसी को मेंटेन करने के लिए एक बंच करता है, उसी मेन में आएगा मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क. तीसरा है पेन. तो पेन में आता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ मल्टीपल पर्सनल इंटरकनेक्टेड डिवाइस. और फोन है लैन. लैन में लोकल एरिया नेटवर्क मीन्स द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. हाँ, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, राइट. फिफ्थ है वैन, वायरलेस एरिया नेटवर्क. इसमें लिखा है नेटवर्क स्प्रेड अक्रॉस वाइडर एरिया सच अ डिफरेंट कंट्रीज. वैन का यूज कब होता है, डिफरेंट कंट्रीज और डिफरेंट टाइप ऑफ सिटीज, बहुत सारा लास्ट उसका एंटायर द वर्ल्ड कवर करता है, वो किसके जरिए कवर होता है, वैन के जरिए, वाइड एरिया नेटवर्क. उसी में लिखा है कि टू और थ्री सेंटेंस. फर्स्ट, व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क. तो कंप्यूटर नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड टू ईच अदर टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, जो हमने पहले बताया. फाइव, द बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. तो उसमें क्या है, क्लाइंट, रूटर, सर्वर, इंटरनेट, इसके जरिए कंप्यूटर नेटवर्क वर्क करता है, ये बेसिक कंपोनेंट है. इसमें मेरी किसी भी एक ना हो तो उसके वर्क नहीं, उसके कंपोनेंट में आता है क्लाइंट सर्वर. क्लाइंट हमने की जो हम है, सर्वर जो हमें फेज करते डेटा देता है, वो किसके जरिए, तो इंटरनेट नेटवर्क कार्ड हमें जो कनेक्टिंग मीडिया रूटर जो हमने पहले पढ़ा. तीसरा है लिस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. तो कितने टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क है, तो पहला है पैन, लैन, मैन, वैन. पैन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क, इसको होम एरिया नेटवर्क भी कहते हैं. दूसरा है लोकल एरिया नेटवर्क. तीसरा है मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क. और चौथा है वाइड एरिया नेटवर्क. ये आप हमने सारी पढ़ने की कोशिश अच्छी तरह से की, लेकिन आप जब उसका जब लैब में आएंगे तो उसको अच्छी तरह पता चलेगा कि कैसे कैसे वर्क करता है, क्योंकि अब आप सो ओके थैंक यू.